सड़क निर्माण में सरकारी डाका। सरकार के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार के सरकारी अधिकारी, टाइलों का सैंपल हुआ फेल, भ्रष्टाचार के चलते सैंपल हो गए थे पास, सैंपल फेल होने से अधिकारी हुए सतर्क, अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, अधिकारियों को कुर्सी का खतरा, क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई? हरियाणा की पूर्व कांग्रेस सरकार के राज में आपने अनेकों भ्रष्टाचार के मामले सुने और देखे होंगे, लेकिन अब हरियाणा में मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री भी बदल चुके हैं। प्रदेश में सरकार बदले करीब 2 साल होने को है, लेकिन इन 2 सालों के बाद एक बार फिर पूर्व की कांग्रेस सरकार का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के राज में करनाल के मोती नगर इलाके में टाइलों की सड़क बनी थी, जिसके सैंपल 2 बार भ्रष्टाचार के चलते पास करवाए गए, लेकिन अब फरीदाबाद की लैब में टाइलों के सैंपल फेल हो गए, जिसके बाद संबंधित अधिकारी सकते में हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर गाज गिरने का खतरा सता रहा है। फरीदाबाद की एक लैब में ये प्रमाणित किया गया है कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। पिछले 2 सालों से विभाग के अधिकारी अपने ही अधिकारियों को बचाते रहे, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। सुभाष चंद्र राज, कहाँ के रहने वाले? ग्राउंडर, मोती नगर करनाल में। ये जो अभी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का जो मणिपाल वाला मामला जो टाइलों को लेकर आया है, हाँ, ये क्या मामला है? ये ऐसा है कि ये सड़क अक्टूबर 2014 में बनी थी, उस वक्त हमने इसका इतराज किया था क्योंकि सड़क ठीक नहीं बन रही थी, तो इन्होंने हमें ये कहा कि सड़क ऐसे ही बनेगी जैसे आप हम बना रहे हैं। हमें इस पर शक हुआ, हमने इस पर आर टी आई लगाई, यानी 12/11/2014 को 2 RTI मैंने लगाई, जिसका हमें समय पर जवाब नहीं मिला, बल्कि इसमें 2 बार इन्होंने मुझे गलत RTI भी दी, जिसका नंबर है 490 व 1010। इन्होंने गलत RTI देने के उपरांत मैंने स्टेट कमीशन में अपील डाली। स्टेट कमीशन में अपील डालने के बाद इन्होंने मुझे वहाँ जा कर के 6/6/2015 को सही उत्तर दिया, वह इन पर 1500 रुपया फाइन केस नंबर 2850 में हुआ। उसके उपरांत मैंने जो जवाब में गबन था उसका विवरण मुख्यमंत्री हरियाणा को दिनांक 24/6/2015 को दिया कि इस सड़क में इस कार्य में धांधलीबाजी और गबन हुआ हुआ है। उसके उपरांत मुख्यमंत्री हरियाणा ने जब 4 महीने तक कोई जवाब नहीं आया मुझे, तो मैंने RTI के द्वारा CM हाउस से इसकी जानकारी मांगी, जिसके बाद मुझे CM हाउस से जवाब कमिश्नर को मिलने के लिए आया कि आप कमिश्नर से मिलिए और इसकी विचार बारे में उनसे बात कीजिए। कमिश्नर महोदया ने इसके बारे में मुझे बुलाया दिनांक 16/3 मुझे एक लेटर लिखा, जिसमें जो इन्होंने मुझे RTI जवाब दिया था वो मैंने उसको स्टडी करने के बाद उसका जवाब दिया। उसमें ये था कि जो ये सूचना दी गई है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। उसके उपरांत उन्होंने मुझे अपने व्यू, अपने विचार रखने के लिए कहा कि आप इससे कैसे संतुष्ट नहीं हैं, तो मैंने उन्हें श्रीराम लैब से टैल वह 1816 जो नीचे है उसके विषय में श्रीराम लैब से टेस्ट कराने के लिए कहा, जिसका उन्होंने आदेश कर दिया। श्रीराम लैब से अब जो टैल की रिपोर्ट आई है वो फेल निकली है, जिसका विवरण ये है, जो कि 35.1 होनी चाहिए जबकि वो 22.8 है। ये टैल पूर्ण रूप से फेल है। 16 का अभी कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि अधिकारियों को कमिश्नर महोदय ने बुलाया है जो कि अभी तक नहीं आया है। इस पूरे जो धांधलीबाजी में आपका जो सुई है किस पे जाती है, कौन इसमें मिला हुआ? नगर निगम के अधिकारी हैं सब जो है इसमें इन्वॉल्व है।
कितने लोग हैं इसमें अंदाजा? ये तो देखिए जी, निगम जांच के बाद ही बताएगा। वहीं जब हमने इस बारे में नगर निगम के एक्सिन महिलपाल से जानकारी मांगी तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से मना कर दिया और मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले के उजागर होने के बाद सभी के जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे। समाचार एक्सप्रेस के सवाल, आखिर कैसे हुआ ये भ्रष्टाचार? कौन है इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार? कौन कौन है इस भ्रष्टाचार में शामिल? क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई या फिर मामले को डाल दिया जाएगा ठंडे बस्ते में? लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद निगम के आला अधिकारी इन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर भ्रष्टाचार के मामले को भी और मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डालकर भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले को और बुलंद करने में उनकी मदद करते हैं। राकेश शर्मा, करनाल, समाचार एक्सप्रेस।